हे गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। तो आज के वीडियो में हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और ऐसा प्रोजेक्ट आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हमने दो जगह पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट हम डिजेबल्ड लोग जो होते हैं, जो हैंडीकैप्ड, जो विकलांग लोग होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर में बैठे रहते हैं, तो वो किसी को अगर उनको कोई वॉशरूम जाना है या फिर कोई भी खाना चाहिए, उनको टॉयलेट जाना है, बाहर जाना है, तो वो किसी को बोल नहीं सकते। ठीक है, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो इसके लिए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, वो अपने हाथों में पहन लगे ग्लव्स की तरह रहेगा। तो जब भी वो अपने हाथों को ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको बेंड करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे एक सेंसर के जरिए एक अलार्म क्रिएट होगा और आसपास के जो लोग होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, मम्मी होंगे, भाई होंगे, तो वो सुन लेंगे इस आवाज़ को और उसके पास आएंगे, इसको वॉशरूम जाना है तो उनको नीड है वो पूरी होगा। तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम सेकेंड यूज़ में ले सकते हैं, जो कि है मेडिकल फील्ड में। तो जो लोग कोमा में पड़े रहते हैं, जो हॉस्पिटल के बेड में पड़े रहते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोमा में रहते हैं, तो उनको हम ये डिवाइस पहना सकते हैं। तो जब भी कोई भी कोमा से बाहर आता है तो उनका जो मसल्स होता है वो इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ऐसे हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे जो मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसके कारण ये सेंसर इसको सेंस करेगा और यहाँ पे एक अलार्म क्रिएट कर देगा, जिसके कारण जो नर्सेस या फिर जो आसपास के डॉक्टर्स होंगे तो उनको पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है वो कोमा से बाहर आ चुका है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनानी है तो आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, इसके सारे डिटेल्स मैंने वीडियो में बताए हुए, इसका सर्किट डायग्राम एंड कोड भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है। आप लोग वहाँ से देख के भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो और मैंने वीडियो में भी कहा है कैसे आपको कनेक्शन करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फ्लैक्स सेंसर की जरूरत पड़ेगा। मैं इन सारे चीज़ों को परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइसों में। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ फ्लैक्स सेंसर क्या होता है। तो इसको मैंने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको मैंने 200K पे सेट किया हुआ है। तो देखिए, अभी इसका रेजिस्टेंस 25.3 दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं इसको बेंड करूँगा, देखिए आप लोग, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अभी 69, 70, 74 ऐसा आ रहा है। और अगर हम इसको उल्टा से बेंड करेंगे तो देखिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो एक्चुअली ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, अगर हम इसको बेंड करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। सो ऑब्वियसली इसके बाद हमें एक ऑर्डिनो चाहिए, जो इस प्रोजेक्ट का ब्रेन हम कह सकते हैं। यह ऑर्डिनो नैनो, आप दूसरा ऑर्डिनो से भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो इसके बाद हमें एक 10 kΩ का रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगा और इसके बाद हम लेंगे एक पीजो बज़र, ये 5 वोल्ट का बज़र है, और इसके बाद हम लेंगे एक 9 वोल्ट बैटरी एंड इसके स्विच के साथ। और इसके बाद हमें चाहिए एक PVC पाइप का शीट, इसका मेज़रमेंट आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद हमें लेना है ग्लव्स, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड का ग्लव्स ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो और ये आपको मार्केट में आसानी से 30-40 रुपये में मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंट का जो लेग है इसको थोड़ा हम कट करके छोटा कर देंगे, आप देख सकते हो। सो इसके बाद ये रेजिस्टेंस हमें लगाना है यहाँ पर ऑर्डिनो के साथ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा GND पिन जो ग्राउंड है, तो इसके साथ हमें ये कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो इसके बाद हम एक वायर लेंगे और इस वायर को हम यहाँ पे शोल्डर कर देंगे, आप देख सकते हैं इसको मैंने शोल्डर कर दिया है। और इसका जो दूसरा सिरा है उसको हमें लगाना है एनालॉग पिन 0 के साथ, देखिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। और इसके बाद हम लेंगे फ्लैक्स सेंसर, इसका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसका कोई सा भी एक वायर हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर ऑर्डिनो के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पर एक 5 वोल्ट का पिन है, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट पे कोई सा भी एक वायर इसका कनेक्ट कर देना है। मैं इसको शोल्डर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, आप चाहो तो जंपर वायर से भी कर सकते हो। इसके बाद हमें दूसरा सिरा लेना है और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। सो देखिए मैंने इसको यहाँ पे शोल्डर कर दिया है। सो इसके बाद हम लेंगे बज़र, ये बज़र का पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव हमें लगाना है ऑर्डिनो के साथ, यहाँ पर D13 का जो पिन है वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और नेगेटिव हमें यहाँ ग्राउंड पर लगाना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी है, ये जो नेगेटिव है ब्लैक कलर का वायर, और स्विच के थ्रू ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव जो है ये हमें लगाना है VIN जो है ऑर्डिनो का VIN इनपुट, तो इसमें हमें लगाना है पॉजिटिव, और इसके साथ जो है ग्राउंड यहाँ पर हमें नेगेटिव लगाना है। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने चिपका दिया है, तो इतना तक हमारा कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सर्किट है। तो अभी हम यहाँ PVC पाइप का शीट लेंगे और इसके ऊपर हम सारे चीज़ों को जितना हो सके हम इसको मतलब टाइट करके फिट कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करी है, और यहाँ पर इस पार्ट पे हम सेलो टेप लगा देंगे ताकि ये जो टूटने का चांसेस रहता है तो ये नहीं टूटेगा। सो इसके बाद हमें ग्लव्स लेंगे, ये मैं लेफ्ट हैंड का ले रहा हूँ, आप कोई सा भी हैंड का ले सकते हो, ठीक है। तो इसको हमें पहले पहन लेना है यहाँ पर,
और पहनने के बाद हमें एक्स्ट्रा राफ पीबीसी पाइप का शीट हम लेंगे और इस प्लेट को हमें यहाँ से अंदर डाल देना है। तो बाद में हम इसको निकाल लेंगे, इसका क्या फंक्शन है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इस सिस्टम को हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए मैं हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ जिससे मेरा हाथ यहाँ पर बर्न ना हो, तो इसके लिए मैंने ये शीट यूज़ किया है। और इस सेंसर को हम यहाँ से रबर बैंड या फिर पेपर टेप या फिर कोई से भी मेथड से हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ। सो देखिए यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इस शीट को यहाँ से निकाल लेंगे और अभी हमें इस प्रोजेक्ट पे कोड अपलोड करना, नहीं तो ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। तो देखिए ये है Arduino IDE सॉफ्टवेयर जो कि मैंने लैपटॉप पर ओपन किया है। तो ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने वहीं से कॉपी किया है तो आपको भी ये मिल जाएगा वहाँ पर। तो ये कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे कोई सा भी एडिटिंग कुछ भी आपको छिड़कानी नहीं करनी है। तो ऊपर हम जाएंगे यहाँ पे टूल्स पे, जाने के बाद यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे Arduino नैनो प्रोसेसर कॉम ओल्ड बूट लोडर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पोर्ट पे कॉम 3 आपका कॉम 3 4 5 ऐसा आ सकता है तो हम ये सिलेक्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर लगा देंगे। तो पहले ये कॉम्पाइल होगा, थोड़ा ये टाइम लेगा और उसके बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हो अपलोडिंग हो रहा है और यहाँ पर हमारा कोड अपलोड हो चुका है। A few moments later. सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हम इसको और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं या बजर के जगह पे हम वॉइस कमांड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको इंप्रूव करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना, वो वीडियो में मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी प्रोजेक्ट्स अच्छी लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, अगर आप सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम शायद एक दिन में 500K कंप्लीट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी हमारे वीडियोज़ को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगता, बस हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।